मैडम स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगे तो हम उनके बच्चे नहीं। माय चाइल्ड ये कह करके बड़ा सॉफ्टली जो है हम लोगों को टारगेट कर रही है, टारगेट कर रही है। एक बात मैं कह देता हूं, और मेरी जो महिला साथी है वो अदरवाइज ना ले, मैंने पहली बार स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा। पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया मैं क्या देख रहा हूं। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस है? मोस्ट रेस्पेक्टेड, एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेड मैडम स्मृति ईरानी जी, वी आर नॉट योर चाइल्ड, वी आर जेन्युइन। एंड यू सीरियसली थिंक अबाउट अस, जो आप नहीं सोचती हैं, तो ये सेडिशन वेडिशन का तमाशा बंद कीजिए, हमारा फेलोशिप हमको दे दीजिए। और रोहित की हत्या जो हुई है उसकी नैतिक जिम्मेवारी ले लीजिए, क्योंकि वो नैतिकता की बहुत बात करते हैं, नैतिकता की बहुत बात करते हैं। तो नैतिक जिम्मेवारी लेकर के जो आपको उचित लगे, आपसे इस्तीफा भी नहीं मांगते हैं, तो आप कर दीजिए। नारेबाजी हम फिर भी करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हम इस देश के संविधान की प्रस्तावना को सचमुच का समाज में लागू न कर दें। और चुनाव में वो तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अभी चुनाव हो जाए तो कल देख लीजिएगा कि हम आयशा के साथ क्या करते हैं, और परसों दिखेगा कि आयशा हमारे साथ क्या करेगी, और उसके अगले दिन डीएसएफ और एसएफआई क्या करते हैं, और उससे अगले दिन डीएसयू हम सब का क्या करते हैं। मतलब नहीं है कि बापसा अगर हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है, लाल भगवा एक है, सारे कॉम्रेड फेक है, तो वो एबीवीपी के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाइयों, अंबेडकर जी की स्वर्ण जयंती मना रहे हो, देख लो वो लोग भी इसी भीड़ में बैठे हुए और इसी लड़ाई में शामिल है। हम लोग अपने पर्सपेक्टिव में पूरे तरीके से स्पष्ट है, जिन शिक्षकों से हमारी नहीं बनती, वायबा वोसी के सवाल पे बहुत झगड़ा हुआ एकेडमिक काउंसिल में, और वही टीचर यहाँ एड ब्लॉक पे खड़ा होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए, जेएनयू के साथ खड़े हुए, और जो जेएनयू के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। और ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम काउंसिल मीटिंग करेंगे, उस काउंसिल मीटिंग में कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे, और जो हमारी एकजुटता बनी है उस एकजुटता को हम और मजबूती देते हुए खत्म करेंगे, और जो हमारे साथी सारे साथी हैं उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे, और जो हमारा आंदोलन है सबकी शिक्षा के लिए, सबको फेलोशिप के लिए, और साथ ही रोहित के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई में हमें पूरा भरोसा है, जिस तरीके का सहयोग शिक्षकों और कर्मचारियों का मिला है वो हमें मिलता रहेगा। इसी अपील के साथ, इसी बात के साथ, आप मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और ये अपील करते हुए कि कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आइएगा, आगे का रणनीति हम आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया।